सबका सपना होता है कि हमारा बेटा बेटी आईएएस करे, और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है जैसा कि लोगों की धारणाएं हैं। हमारे बीच मौजूद हैं, दिल्ली से चलकर आए हैं, तीर्थंकर राय चौधरी और अपूर्वा भार्गव जो डायरेक्टर हैं। बात करेंगे सीधे सीधे, कितना मुश्किल है सर आईएएस करना? आईएएस की परीक्षा भारत की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, और हर बच्चे का सपना होता है कि वो एक बार तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करे। ये एग्ज़ाम की तैयारी मुश्किल नहीं है, बट जब आप दिशाहीन तैयारी करते हैं तब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, हमें एसे राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पर कैसे काम करें, ऑप्शनल हम कैसे चूज़ करें। अगर ये बेसिक डिसीशंस आप गलत कर बैठेंगे तो फिर तैयारी मुश्किल हो सकती है। दूसरा एक फैक्टर ये आ जाता है इसमें कि सोसाइटी एक प्रेशर क्रिएट करती है परफॉर्मेंस का। जब लोग उस प्रेशर के नीचे दब जाते हैं तब भी तैयारी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस ओरिएंटेड है। जैसे आप समझ लीजिए, आप खाना बना रहे हैं और आपने सभी इंग्रेडिएंट्स राइट अमाउंट में डाले हैं तो खाने का स्वाद आएगा। वैसा ही ये एग्ज़ामिनेशन भी एक जर्नी है, और लोग सोचते हैं कि ये तीन भागों में टूटी हुई है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये एक इंटीग्रेटेड जर्नी है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री की तैयारी अपने आप ही होने लगती है, और इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी देखा जाता है। हालांकि इसे लोग कहते इंटरव्यू हैं, पर ये इंटरव्यू है नहीं। इंटरव्यू मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, वेयर एज दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मतलब ये देखा जाता है आप में वैल्यूज़ कैसे हैं, आप में आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके वर्च्यूज़ कैसे हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एसेट हो जाएंगे या आप एक बर्डन बन जाएंगे। आसान कितना है सर ये? आसान काफ़ी है अगर सही तरीके से किया जाए। और आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप IIT से हों, IIM से हों, आप एक नॉर्मल से कॉलेज से हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र भी ना हों, लेकिन आप डेली वर्क जो आपको दिया जाता है अगर आप उसे करते रहेंगे तो ये एग्ज़ामिनेशन आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जहानाबाद आप आए हैं तो कैसा लगा बच्चों से मिलकर या यहाँ के शिक्षकों से मिलकर? जहानाबाद से मुझे बहुत प्रेम मिला है, और जितनी मुझे आशा थी उससे कई ज़्यादा मुझे प्रेम मिला है इस शहर से। यहाँ के बच्चे बेहतरीन हैं और यहाँ के टीचर लाजवाब, और इतनी गर्मी में भी बच्चे बैठे रहे, उन्होंने मुझे सुना, और कई बच्चों से मैं मिल पाया, उनसे बात की मैंने। बच्चे काफ़ी उत्साहित थे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवसर मिला जहानाबाद आने का, और मैं भाग्यशाली समझता हूँ। यहाँ के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ के बच्चे भी काफ़ी संख्या में IAS बने और अपने ज़िले का नाम रोशन करें? जी, जहानाबाद इन पर्टिकुलर एंड बिहार इन जनरल हैज़ बीन द इंजन ऑफ IAS फैक्ट्री हेयर इन इंडिया। तो मतलब आप इसे एक फैक्ट्री की तरह देखिए, और ये देखिए कि कितने IAS बिहार की इस पावन भूमि ने प्रोड्यूस कर दिए। और इसका रीज़न ये है कि बिहारी पीपल दे हैव अ किलर इंस्टिंक्ट इन देम। अगर वो ठान लेते हैं तो वो कर गुजरते हैं। यहाँ के बच्चों में भी मुझे वही इंस्टिंक्ट दिखा, और मुझे लगा कि इन बच्चों में पूरा दमखम है। बस मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से रिसोर्स हमें पढ़ने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है, कैसे हमें ऐसे राइटिंग करनी है, बस जो बेसिक्स हैं वो करने। बट बच्चों में जो पोटेंशियल की बात की जाए तो बच्चों में भरपूर पोटेंशियल है, और सबसे बड़ी बात उनमें पैशन है, और पैशन इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहेंगे या कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते हैं? जी, आज मिलने के बाद बच्चों से मैंने कुछ तो सोचा है। मैंने हमारे जो CEO हैं अपूर्वा, उनसे भी बात की है, और हम दोनों अभी बस चर्चा ही कर रहे थे उस विषय में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक रॉ चार्ट बनाए, इट्स टू अर्ली टू कॉमेंट एनीथिंग, बट हम चाहते हैं कि हम कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम या एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए क्रिएट करें जिसमें हर तरह के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, और हम
मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जो बच्चे मेधावी हैं और जो अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो हम उनके लिए भी कुछ करना चाहेंगे और बच्चियों को खासकर हम बढ़ावा देना चाहते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर ऐसे कोई हैं या किसी के कोई गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, किसी के घर में किसी ने परमवीर चक्र जीता है, वीर चक्र जीता है, तो हम उनके लिए तो जो बन पाएगा सो कम हमारी तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने वैसे ही देश के लिए अपने आप को प्रूव किया, उनकी फैमिली ने, तो एक देश का कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए कि उन्हें भी फ़ायदा हो। कुल मिलाकर मैं चाहता हूँ कि हर वर्ग के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ उनके आड़े ना आए और जो मुझसे बन सकेगा मैं करने की कोशिश करूँ। हमारे साथ हैं डायरेक्टर अपूर्वा जी, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ के शिक्षकों को क्या करना चाहिए मैडम? सर देखिए, सबसे पहली बात है जो बच्चे आप हमें भेजते हैं या फिर जो बच्चे हमें मिलते हैं, मतलब या तो वो ट्वेल्थ के बाद के मिलते हैं या तो ग्रेजुएट मिलते हैं, क्योंकि यही समय होता है जब UPSC के बच्चे तैयारी करने की सोचते हैं, राइट। तो जो बेस बना के हमें मिलता है वो बेस थोड़ा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सोशल साइंसेस हैं, हम साइंस वाले बच्चे भी तमाम अगर क्लास में देखते हैं तो बहुत बच्चे हैं जो IITs से हैं, IIM से हैं, राइट, और कई ऐसे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ से हैं। पहली बात तो हमारे देश में एक प्रॉब्लम है ये कि ह्यूमैनिटीज़ जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब सोशल साइंसेज जो बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते हैं। बट अब ये चीज़ बिल्कुल, अब हमारे पास टेस्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, तो वैसी जगहों पे बच्चा IAS कर रहा है या ऐसी तमाम बैक, कई बार हमसे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि मैम एक बैकअप बना के चलना है। ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी बैकअप है, आप साइंस के साथ हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि UPSC में आके हम कुछ गलत कर देंगे या फिर हम चूज़ नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट। तो जो भी पढ़ाएं बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चों को देखा, जहानाबाद के बच्चों को क्या आप महसूस करती हैं, कैसा लगा? जिस हिसाब से पेपर सेट किया गया था, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा हमने सोचा था, हम एक मॉडरेट लेवल का पेपर हमने सेट किया था, क्योंकि जब बच्चों की बात होती है तो आपको ना उन्हें बिल्कुल डिमीन करना होता है, हम उत्साहित भी करना होता है। हमने एक चीज़ सोची थी कि जो मुझे लगता था कि 50-60 मार्क्स आएगा लगभग मैक्सिमम, और यहाँ बच्चों ने 88 मार्क्स तक स्कोर किया, दैट इज़ कमेंडेबल। बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं, इनके टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और आगे ये बच्चे उस तरह से शेप में आएंगे तो शायद और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जो वो कर रहे हैं उसको करते रहें लगातार, और जो एक बेसिक आइडियाज़ हैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, या सर ने जिस तरह से कहा कि डेली आंसर राइटिंग, UPSC की आंसर राइटिंग और नॉर्मल एक NCERT के पीछे का एक आंसर लिखना, दोनों बहुत अलग बातें नहीं हैं, राइट। लिखना आना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी को लिखना आता है कंटेंट तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, वही तो क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो वो आइडियोलॉजी के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और मेरा एक मानना है साइकोलॉजी जो होती है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आप जो सोचते हैं वही आप प्रोजेक्ट करते हैं, वही आप दिखाते हैं। तो नॉर्मली भी जैसे एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट मान के जैसे हम चलते हैं, तो मैं डेली नाम के शब्द में बहुत बिलीव करती हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, जैसे सर ने कहा प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो प्रोसेस डेली है हमारे, ये भी रहता है जैसे हम अभी एक जैसे 12th के बाद जो हमारे इनिशिएटिव है लक्ष्य, वो हमारा इनिशिएटिव ऐसा है कि उसमें डेली बच्चों का प्रोग्रेस ग्राफ किया जा रहा है, क्योंकि आप IAS ऐसे बन के कहीं से नहीं आते हैं, आप IAS बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, उसका रोज़ का आंसर राइटिंग ख़राब रहता है उसे फिक्स करते हैं, वो बात कैसे कर रहा है, उठ कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, दीज आर थिंग्स इंपॉर्टेंट। आखिरी सवाल सर आपसे, आप तो IAS की तैयारी करवाते हैं, कभी आपने सोचा कि हम भी IAS करें या कभी कोशिश की आपने? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग है, और उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया है, पर शुरू से पढ़ाने का शौक़ रहा है, और ये फील्ड मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि मेरे फादर भी जो हैं वो इनकम टैक्स में थे, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे ये फील्ड। तो मैंने सब कुछ फिर तय किया, सब छोड़ छाड़ के मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को ट्रेन करूँ। दिल्ली में कहाँ पे क्या व्यवस्था है या किस तरह का, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। दिल्ली में हमारी संस्था का नाम ईडन IAS है, और ये ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होता है वहाँ का, और अगर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट से भी आप सीधा ऑटो टैक्सी कुछ भी लेकर आप पहुँच सकते हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन जो सक्षम नहीं हैं, जो समझते हैं कि ये बहुत महंगा है ये पढ़ाई, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मैंने डे वन से ये कोशिश की है कि फाइनेंशियल
कोई भी फैक्टर बच्चे की ग्रोथ में कभी भी अड़चन ना क्रिएट करे। तो हम एक चीज़ करते हैं कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, और उस स्कॉलरशिप टेस्ट में हम कुछ पैरामीटर्स सेट करते हैं। क्वेश्चंस के लेवल ठीक ठाक होते हैं, अगर बच्चा मेधावी है और वो कर लेता है, और अगर आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो यहाँ तक भी हुआ है कि बच्चों ने 100% स्कॉलरशिप भी ले ली है, तो उनके लिए पूरी तैयारी फ्री हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके लिए बच्चे पूरे तरीके से उस लेवल के हों, क्योंकि जो डिज़र्व करता है उसे ही मिलना चाहिए। प्रोग्राम का नाम भी सक्षम है। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ तीर्थंकर राय जी थे और अपूर्वा जी। आईएएस की तैयारी के लिए इन्होंने जो बातें बताई कि इसमें पैसा कभी भी बाधक नहीं बन सकता है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन आप में पोटेंशियल है, आप में इतनी इच्छा शक्ति है, ललक है, तो निश्चित तौर पर आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दिल्ली में इनका जो संस्थान चलता है, इनके माध्यम से अनगिनत छात्र छात्राओं ने आईएएस की तैयारी की और आईएएस बने, और उम्मीद है कि जहानाबाद ये आए हैं तो निश्चित तौर पर जहानाबाद के बच्चे भी आईएएस बनेंगे और अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।